मेन प्रॉब्लम है कि कस्टमर सोचता है कि उसको वहाँ सस्ती मिल रही है, वो ऑनलाइन वो ये नहीं देख रहा है कि उसे डुप्लीकेट मिल रही है, पुराना एडिशन मिल रहा है, डैमेज बुक्स मिल रही है, नॉट रिटेबल बुक्स मिल रही हैं। PDF तो मतलब आंखें फोड़ने वाली बात है, जो मज़ा बुक्स खरीद के पढ़ने में वो PDF में तो है ही नहीं। नमस्कार, मेरा नाम दिव्या पैन्यूली और आप देख रहे हैं Nation 1 और आज मैं मौजूद हूँ राजीव गांधी कॉम्प्लेक्स डिस्पेंसरी रोड देहरादून में। जैसे कि आप सब जानते हैं कि e-कॉमर्स या e-बिजनेस आने के बाद से दुकानदारों की सेलिंग में बहुत फ़र्क आया। आइए चल के कुछ बुक सेलर से बात करते हैं और जानते हैं उनकी राय। सर, आपका शुभ नाम? राजीव। सर, आप बताएंगे कि आप कौन कौन से टाइप्स की बुक अपनी दुकान में रखते हैं? बस सभी बुक्स हैं, स्कूल बुक्स से भी हैं, कॉलेज बुक्स भी हैं, कॉम्पिटिशन बुक्स भी हैं, सब। सर, e-कॉमर्स या e-बिजनेस के आने से आपकी मतलब दुकान बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा है? बहुत फ़र्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। एक्चुअल में जो मेन प्रॉब्लम है कि कस्टमर सोचता है कि उसको वहाँ सस्ती मिल रही है, वो ऑनलाइन वो ये नहीं देख रहा है कि उसे डुप्लीकेट मिल रही है, पुराना एडिशन मिल रहा है, डैमेज बुक्स मिल रही है, नॉट रिटेबल बुक्स मिल रही हैं। अब वो एक कोई बुक XYZ कोई भी ऑर्डर कर देता है तो वो सोचता है कि भाई मुझे दुकान पे यहाँ जाके एक 500 की मिल रही है, वहाँ 470 की मिल रही है। लेकिन जब वो बुक उसके पास आती है तो वो देखता है कि जो हम एडिशन दे रहे हैं उसको 23 का वो एडिशन आ रहा है 2020 का, अंदर पेज मिसिंग है, उसको बदल नहीं सकता कहीं भी। हमारे पास तो हर घंटे बाद आके कह सकता है कि भाई ये प्रॉब्लम है, ये फ़र्क है। और नोट्स में क्या फ़र्क है? जैसे ऑनलाइन जो नोट्स आ रहे हैं, PDF आ रही है, और जो बुक्स के नोट्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है? बस वो कस्टमर अपनी सहूलियत देख रहा है। अब PDF में मतलब हमारी नज़रों में मतलब ये नहीं कि हम अपने बिज़नेस का फ़ायदा की बात कर रहे हैं, जो सच्चाई है कि PDF में कहाँ से पढ़ाई हो जाएगी। आप खुद एक स्टूडेंट रही होंगी या है तो फिर आप बताइए, आप PDF में अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं? कभी भी नहीं पढ़ सकते। PDF तो मतलब आंखें फोड़ने वाली बात है, जो मज़ा बुक्स खरीद के पढ़ने में वो PDF में तो है ही नहीं। बस बाकी PDF तो होती तो सेम ही है, वो फिर अलग कैसे हो जाएगी बुक से। नमस्कार सर। सर, आपका शुभ नाम? हरीश कुमार। सर, आप बताएंगे आप कौन कौन से तरीके की बुक्स रखते हैं अपनी दुकान में? हम नर्सरी, प्राइमरी, जूनियर, हाई स्कूल, इंटर, BA, BSc, BCom, कंपटीशन, सारी बुक्स रखते हैं। सर, आप कितने साल से काम कर रहे हैं, मतलब कितने साल से आप दुकान चला रहे हैं? सर, मतलब पहले फादर चलाते हैं, हमारा 65 ईयर्स हो गया, यही काम है हमारा। 5 साल हो गया। 65 ईयर्स। मेरे को खुद ये काम करते 45 ईयर्स हो गया। 45 ईयर्स। तो आप 45 ईयर्स से काम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आपको क्या लग रहा है कि e-कॉमर्स e-बिजनेस के आने से आपके बिजनेस में क्या फ़र्क पड़ा है? सारा बिजनेस हमारा बहुत कम हो गया बिजनेस, क्योंकि हर कस्टमर को अपने घर पे बैठे बैठे किताब मिल जाती है या और सामान मिल जाता है, तो बाज़ार में क्यों आएगा वो? बाज़ार में क्यों आएगा वो? बस यही वजह है कि हमारा बिजनेस दिन पे दिन उसका ग्राफ गिरता जा रहा है। हाँ, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि दुकानदारों ने हमें e-कॉमर्स या e-बिजनेस के बारे में अपनी क्या क्या राय बताई। ऐसी ही न्यूज़ देखने के लिए बने रहे Nation 1 के साथ। मैं दिव्या पैन्यूली, कैमरामैन अमन के साथ। धन्यवाद।